देखिए बेटे, इसके बाद इस जो नया टॉपिक है उसका नाम है, एक साइंटिस्ट हुए लेंजलो। क्या नाम हुए? तो लेंजिस लो बोल देते हैं इसे, या लेंजलो भी बोल देते हैं इन शॉर्ट। तो लेंजलो ने ये बताया कि जब किसी कोयल में फ्लक्स तो चेंज करते हैं, फ्लक्स चेंज करने से उस कोयल के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, वो वाला करंट कहलाता है इंड्यूस करंट। लेकिन उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये किसने बताया? लेंजलो ने बताया। किसने बताया? लेंजलो। आइए देखते हैं। तो देखिए लेंजलो का क्या कहना था, इनका ये कहना था, सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, बहुत आसान सा है। लेंजलो का ये कहना था कि देखो भाई, जब हम किसी कोयल का फ्लक्स चेंज करते हैं ना, तो ये जो हम कोयल का फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, ये कोयल को पसंद नहीं आता। ये सेम ऐसा जैसे इनर्शिया पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में। तो इनर्शिया किसी भी एक बॉडी की इनएबिलिटी होती है, इनर्शिया फील करो वही है सेम, किसी भी एक इनर्शिया किसी एक बॉडी की इनएबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ कंडीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता और ना किसी को चेंज करने देगा। अगर मैं इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की लगा रहा हूं, तो ये पक्का मेरे पे उल्टा 10 न्यूटन की लगा रहा है। वो सिर्फ इसलिए लगा रहा है कि अपनी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता। अब एग्जैक्टली इसने भी यही बताया लेंजलो ने बोला कि जब हम किसी एक कोयल का फ्लक्स चेंज करते हैं, तो ये कोयल को पसंद नहीं आता। कोयल चाहती है कि इसका फ्लक्स चेंज ना हो, वो इसलिए क्योंकि कोयल की प्रेजेंट कंडीशन है। वो हो सकता है वो इस कोयल में, इस कंडीशन में वो अपने आप में स्टेबल हो। तो जब हम किसी एक कोयल का फ्लक्स चेंज करते हैं, तो ये कोयल अपने अंदर किसी भी टाइप के फ्लक्स चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। तो उसे अपोज करने के लिए जो हम फ्लक्स को अपोज कैसे करेगा, तो आंसर है जब मैं इस मैग्नेट में इसके नजदीक लेके जा रहा हूं मान ले, तो मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड लाइंस इसमें इंक्रीज करता जा रहा हूं, और जब मैं फील्ड लाइंस इंक्रीज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फिर से अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, तो फील्ड लाइंस इसमें से डिक्रीज कर रहा हूं। तो मतलब चाहे मैं इंक्रीज करूं फील्ड लाइंस इसमें से या डिक्रीज करूं, तो लेकिन मैं फ्लक्स तो चेंज कर रहा हूं। तो लेंजिस लो का सिर्फ ये कहना था कि जब भी हम किसी एक कोयल का फ्लक्स चेंज करते हैं, तो ये कोयल उस फ्लक्स के चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। जिस डायरेक्शन में ये करंट के फ्लो का फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है, वही डायरेक्शन क्या होती है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है। फिर से सुन, ये एक बॉडी पर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ये बॉडी अपनी प्रेजेंट कंडीशन को नहीं चेंज करना चाहती, तो अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो ये क्या करेगी? मेरी फोर्स का अपोज करेगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ऐसे ये जो डायरेक्शन है, ये इसकी अपनी अपोजिशन की डायरेक्शन है, जिससे इसे मेंटेन करेगा। एग्जैक्टली सेम वही बोला इसने कि ये कोयल है, इस कोयल का अगर मैं फ्लक्स चेंज करूंगा, तो ये कोयल इस चेंज का अपोज करेगी। तो इस को ये कोयल इस चेंज का जो अपोज करेगी, तो इसे अपोज करने के लिए इस कोयल को क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर एक इंड्यूस करंट फ्लो करना पड़ेगा। वो जो इंड्यूस करंट है, वो हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन से ये अपोज कर सके। किसका? अपने अंदर फ्लक्स के चेंज का। तो एग्जैक्टली किसी कोयल में इंड्यूस करंट इसीलिए प्रोड्यूस होता है कि वो फ्लक्स के चेंज को रोक सके, और जिस डायरेक्शन में अपोज करेगा, वही डायरेक्शन इंड्यूस करंट की होगी। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। इधर देखो जरा, और ध्यान से देखना सारे के सारे। दिव्यांश देख इधर, ये बेटे कोयल है सपोज टू बी। अब तू सोच, एक मैग्नेट मेरे पास यहाँ पे रखी थी, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। ये मैग्नेट अगर यहां रखी है, तो इसका फ्लक्स कैसे लिंक हो रहा है? कुछ लिंक हो रहा होगा फ्लक्स ऐसा। तो मान लो जब ये कोयल दूर रखी है, तो यहां पर फ्लक्स लिंक हो रहा है 10। कितना लिंक हो रहा है? 10। लेकिन इसी मैग्नेट को उठा के मैं यहां से उठा के जब यहां रख देता हूं, तो मैं देखता हूं इससे फ्लक्स कितना लिंक होता है? फुल। ज्यादा लिंक हो रहा है। तो अब एक बात बता कि जब इसका यहां पर फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? 10। और जैसे यहां लेकर जाता हूं, तो फ्लक्स लिंक हो रहा है 100। तो ये कोयल क्या चाहती है? ये कोयल चाहती है कि इसका फ्लक्स 10 रहे या 100 हो जाए? 10 रहे। अब अच्छा, 10 को रखने के लिए इसमें कौन जिम्मेदार है? ये फील्ड लाइंस। पहले फील्ड लाइंस कैसे लिंक हो रही थी? कम। लेकिन जैसे यहां रखते हैं, तो फील्ड लाइंस कैसे लिंक हो रही है? ज्यादा। इस डायरेक्शन में तो ज्यादा हो रही है। अच्छा, तो अगर मैं इस फील्ड लाइंस, तो पहले 10 लिंक हो रही थी, अब 100 लिंक हो रही है। तो अगर ये कोयल चाहती है कि इसमें 10 फील्ड लाइंस लिंक हो, तो इसे इस 100 फील्ड लाइंस को कितना करना पड़ेगा? 10। अरे तो एक बात बता, मैग्नेटिक फील्ड को 100 मैग्नेटिक फील्ड को में से मुझे 90 माइनस करनी है, और कितना करना है उसे? 10। तो 100 मैग्नेटिक फील्ड को कौन कम कर सकता है? दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। एक फोर्स में से दूसरी फोर्स को माइनस कर सकते हो? एक मैग्नेटिक फील्ड में से फिर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को माइनस करोगे? तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 10 लिंक हो रही थी, तुम यहां नहीं गए, इसमें कितनी लिंक हो रही है? 100। तो ये कोयल चाहती है इसमें 100 लिंक ना हो, 10 हो, तो फ्लक्स 10 हो। तो ये वाली जो कोयल है, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को जो इस डायरेक्शन में इसे अपोज करना चाहती है, तो अपोज करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? एक अपनी नई मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। तो ये वाली जो कंडक्टर है,
जिसका तुम फ्लक्स चेंज कर रहे हो, ये वाली कंडक्टर अपने रखे हुए खड़े हुए इलेक्ट्रॉन को कमांड करती है, दौड़ो इस डायरेक्शन में, दौड़ो कि ऐसा करंट प्रोड्यूस करो जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाए। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अरे यार, तो इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन कौन सी बुढ़िया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल नहीं बनाएगा ये, अरे ये तो होता है नॉर्थ पोल, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब तू इमेजिन कर, जब तू इस मैग्नेट को यहां से उठा के यहां ले गए तो इसका नॉर्थ पोल यहां नहीं आ गया। अब ये वाली कॉइल ऐसे समझ ले, ये वाली कॉइल अपने अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, कौन सा पोल डेवलप करेगी कि ये इसे दूर भगा दे। अरे नॉर्थ को, नॉर्थ ही तो दूर भगा सकता है, तो इसलिए इस कॉइल को अपने अंदर कौन सा पोल डेवलप करना है, नॉर्थ पोल। ऐसे याद कर लो, चाहे नहीं आया समझ में फिर से सुन। अब हमने क्या करा, इसकी जगह यहां पर यही कॉइल है, सेम यही कॉइल है। अब यहां पर हमने एक मैग्नेट को शुरू में ऐसा रखा हुआ था, इसका ये नॉर्थ पोल है, तो यहां से फ्लक्स कैसा लिंक हो रहा है, पहले फुल फुल लिंक हो रहा है इस डायरेक्शन में, कितना लिंक हो रहा है 100। और अब हमने क्या करा, इसी मैग्नेट को यहां से उठा के दूर कर दिया ऐसा। लेकिन अगर दूर कर दिया तो हमने देखा है फ्लक्स लिंक कितना हो रहा है 10, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसी डायरेक्शन में जा रही है अभी भी। बस पहले कितना लिंक हो रहा था, ज्यादा, अब कैसा लिंक हो रहा है, कम लिंक हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये बता, ये कॉइल क्या चाहती है कि इसका फ्लक्स 100 लिंक हो या 10 हो, 100। तो अगर ये बता तो इसका मतलब पहले फ्लक्स 10 लिंक हो रहा था, अब पहले 100 रहा था, अब 10 हो गया, तो 10 को ये फील्ड 100 कैसे कर सकती है, जब 10 फील्ड लाइंस में 100 इसी डायरेक्शन, 90 इसी डायरेक्शन में जोड़े, अरे 100 से 10 हुआ ना यहाँ, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है 10, तो इस 10 को इसे 100 करना है, तो 100 कौन करेगा, फील्ड लाइंस। तो ये वाली कॉइल अब फील्ड लाइंस बनाना चाहती है इस डायरेक्शन में कितना, 90। तो 90 बनाने के लिए ये कॉइल क्या करेगी, अपने जो खड़े हुए इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, उन्हें कहती है दौड़ो, इस तरह से दौड़ो कि तुम अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाओ किस डायरेक्शन में, इधर, कितना 90। तो इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट को कैसे दौड़ना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं है समझ में। तो इस कॉइल ने कौन सा पोल डेवलप किया अंदर, साउथ पोल, अरे ये तो होता है क्लॉकवाइज, दिस इज साउथ पोल। अब इमेजिन कर, ये पोल कौन सा था, नॉर्थ, जो तुम इसको दूर ले गए थे, ये तो ले गए, तो ये बता इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ कौन खींच सकता है, साउथ, तो ये साउथ पोल लगभग करता है, नहीं है समझ में। फिर से सुन, ये कोयल है, इसमें क्या कर रहा है, यहां पर एक नॉर्थ पोल है, कौन सा है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल है। अब ये साउथ पोल है तो यहां पर साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, अंदर आती है, अरे ऐसे तो आती है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो ऐसे आ रही है। तो अभी फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, 100। अब इसी मैग्नेट को उठा के हमने कहां रख दिया बेटे, यहां रख दिया, दूर कर दिया, जैसे दूर करते हैं तो ये फील्ड लाइंस अब इसमें से कितनी लिंक हो रही है, गुड़िया कम हो रही है, अब कितनी लिंक हो रही है, 10। ये कॉइल क्या चाहती है कि इसमें फ्लक्स 10 लिंक हो या 100 लिंक हो, 100। अब तू सोच कि यहां पर इस डायरेक्शन में 100 से 10 इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये वाली कॉइल क्या चाहती है, इधर 10 की जगह कितना हो, 100 हो, 100 के लिए ये क्या चाहती है, इधर मैग्नेटिक फील्ड 90 और दे दे, तो 90 मैग्नेटिक फील्ड इधर ही तो देना पड़ेगा, तो इधर देने के लिए ये वाली कॉइल अपने इलेक्ट्रॉन कहती है दौड़ो, इस तरह से दौड़ो कि तुम मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाओ, अरे ये समझ आया। तो ये किस तरह दौड़ाएंगे, नॉर्थ पोल, अरे ये कौन सा पोल हुआ, दिस इज, ये कौन सा पोल हुआ, दिस इज नॉर्थ पोल, अरे यार, तो इसने कैसे फ्लो करा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम सोचो कि जो मैग्नेट यहां से यहां पहुंच गया साउथ पोल, ये तो पहुंच गया, तो इस साउथ पोल को कौन खींच सकता अपनी तरफ, नॉर्थ पोल खींचेगा, नया समझ में, नया कांसेप्ट समझ में। इसी तरह से फिर से देखो कि यहां पर ये कॉइल है और ये कौन सा है, यहां पर एक साउथ पोल है, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे तो जाएगी इस डायरेक्शन, तो फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, 10। अब तुमने इस मैग्नेट को उठा के यहां से उठा के यहां रख दिया बेटे, ये यहां, ये कौन सा है, साउथ पोल, तो अब फ्लक्स कैसा लिंक होगा, ज्यादा लिंक होगा, ज्यादा लिंक हो रहा है, तो कॉइल क्या चाहती है, अब कितना लिंक हो रहा है, 100। तो पहले ये कंडीशन इसकी ये थी, अब तुमने करके इतना कर दिया, तो कॉइल क्या चाहती है, 100 लिंक हो या 10, 10 लिंक हो, तो इसका मतलब 100 इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसे 10 कौन कर सकता है, इस डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड, अरे इसको अपोज कितना देगा वो, 90। तो ये कॉइल क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन कहती है दौड़ो, इस डायरेक्शन में दौड़ो कि तुम मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाओ, जो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को काट के 10 बना दे। तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट को कैसे फ्लो करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बनाएगा, साउथ पोल। तो
तो ये कॉइल क्या करती है अपने अंदर साउथ पोल डेवलप करती है, दिस इज क्लॉक वाइज, दिस इज साउथ पोल, और ये क्या है साउथ, तो साउथ को क्या कर सकता है, साउथ साउथ को दूर भगाएगा, ये समझ में, इसे समझ, तो आप ऐसा याद कर सकते हो, आप ऐसा याद कर सकते हो। एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे आप लोग, देखो मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ये कोयल है, ये कोयल है, इसके बीच में मैंने एक मैग्नेट को रख दिया, और ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम इधर लेके जा रहे हैं, आपको ए और बी इन दोनों में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। इसमें डायरेक्शन देखो बेटे, अगर आप इस नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेके जा रहे हो तो फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो कोयल क्या जाते हैं, फ्लक्स इंक्रीज हो या ना हो, ना हो, तो जैसे तुम इस नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेके जाओगे तो ये कोयल क्या करेगी, अपने अंदर नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगी। नॉर्थ पोल का मतलब क्या, करंट कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन तुम जैसे इस नॉर्थ पोल को इधर ले जाओगे तो साउथ पोल को इस कोयल से दूर भी तो लेके जा रहे हो, तो कोयल को अगर इससे साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हो तो इसका मतलब इसका फ्लक्स अभी भी चेंज कर रहे हो, तो कोयल क्या चाहती है, फ्लक्स चेंज ना हो। चेंज कैसे कर रहे हो, इस नॉर्थ साउथ पोल को दूर ले जा रहे हो, तो ये कोयल क्या चाहते हैं, साउथ पोल इसके नजदीक आए, नजदीक आने के लिए कोयल क्या करेगी, अपने अंदर नॉर्थ पोल डेवलप करेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी जो साउथ पोल को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इस वाले कोयल में भी कैसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों कोयल में करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।